नंबर सिस्टम की ट्रिक सिखाता हूँ। नंबर सिस्टम में इस टाइप के क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, जहाँ पर भी नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ट्रिक वाइज जल्दी कैसे किया जाता है, तो आज मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों को पहले भी आता होगा, बट आज जो आपको डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। 12 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 12 के बाद आपको दोबारा एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं 12 के बेस पे आपको 100% आएगा। देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, डिटेल मेथड इसका आता होगा आप लोगों का या नहीं आता होगा तो उसकी जरूरत भी नहीं है अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, तो सबसे पहले देखो ध्यान से देख समझना क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसे लिख लेते हैं, जो भी नंबर है, जितने भी नंबर, तो एक ही नंबर है, 6 नंबर है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, दैट मीन्स ये बार बार रिपीट करेगा, बार बार ये रिपीट करेगा, और इसे हमें चेंज किस में करना है, पी अपन क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन में निकालना है, मतलब एक वो नंबर फाइंड करना है जिस नंबर को डिवाइड करने पे ये बना हुआ है, ये आया हुआ है। तो ऐसे फिर क्या करेंगे, पहले तो 6 लिख लेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, तो ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं जिन पर बार लगा हुआ है, जिन पर ये ऊपर, तो कितने नंबर है, सिर्फ इकलौता नंबर है, तो उतनी बार नीचे 9 लिख देंगे, बाकी तो कुछ है नहीं, तो बस ये आंसर हो गया। सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6 और 3 3 9, 2/3। अब चाहो तो कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 2 को 3 से डिवाइड करोगे ना, 2 को 3 से, तो ये 0.666 आते ही रहेगा, हो गया, ये बार बार रिपीट करेगा ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और मान लो अगर 0.3 होता और 0.3 पे बार, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3 है तो सिर्फ 3 लिखेंगे, और अपॉन में क्या, अपॉन में डेसिमल के बाद कितनी बार ऐसी संख्या है जिन पे बार लगा, तो एक ही संख्या है, तो 1/9 लिखेंगे, ओके, जितनी बार संख्या होंगी ना उतनी बार 9। अभी और क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर होते चलेगा। मान लो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड में लेते हैं 0.23 और दोनों के ऊपर बार है, अब किस पे, दोनों पे, ओके, दैट मीन्स 2 3 2 3 बार बार रिपीट होगा, तो इस केस में क्या करोगे आप, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसे लिख लो आप, ओके, अपॉन में कितनी बार 9 लिखेंगे, जितने नंबर्स पे बार लगा, दो नंबर्स पे लगाओ ना बार, तो 2/9 99, बस हो गया आंसर। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है तो करना है, नहीं हो सकता तो छोड़ देना है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी आपको समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा, बहुत छोटी सी वीडियो में आपको सबको समझ में आ जाएगा। अब 3 नंबर पे आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उन सारे नंबर्स को लिख लेंगे, उसके बाद क्या, कितनी बार बार है, 3 नंबर्स पे बार है ना, 3 नंबर्स पे, तो 3/99, बस हो गया। अगर ये कटता है सेम टेबल से तो इसे काट देना है, नहीं तो बस क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, समझ में आ रहा हो कमेंट करके जरूर बताना। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, और अब यहाँ सिर्फ 1 नंबर पे बार है, सिर्फ 3 पे बार है, इस केस में भी वैसे ही करेंगे। देखो डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो पहले हम उसे लिख लेंगे, ध्यान समझना, डेसिमल के बाद जो भी नंबर उसे हम लिख लेंगे, उसके बाद कुछ माइनस करना होगा, जिसमें देखो डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं था जो विदाउट बार वाला, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा भी है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, ओके, ये ध्यान रखना, जिस डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स हो उनमें जिस नंबर पे बार नहीं लगा है टोटल नंबर में से उसको माइनस करना है, तो किसको माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, 2 पे बार नहीं था तो 2 को माइनस करेंगे। अब क्या, तो बार कितने पे लगा है उतनी बार तो 9 लगाएंगे, तो 1 नंबर पे बार लगा हुआ है तो 1/9 लिखेंगे, उसके अलावा ऐसा नंबर जिस पे बार नहीं लगा तो वो कितने नंबर से, 1 नंबर से ना, तो 1/0 लगा देंगे, बस 1/0 लगा देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 21/90। ये आप इसे सॉल्व करोगे और तो 3 से करेंगे तो 3 7 21 और 3 से करेंगे 30 3/30, इसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा ही क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। एक नंबर ये लेते हैं 0.34, इसके ऊपर बार लगाया हमने। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो देखो डेसिमल के बाद जो भी नंबर वो लिख लेना है, 34 लिख लिया, माइनस में क्या करना है, वो नंबर जिस पे बार नहीं है, बाकी नंबर्स में ऊपर वाले में देखो ऐसा नंबर था ही नहीं जिसमें बार नहीं था डेसिमल के बाद, तो हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, बट अगर यहाँ पे अगर हमें माइनस करना होगा तो हम किसको माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं लगा, तो किस पे बार नहीं लगा, 3 पे, तो 3 माइनस कर देंगे। अपॉन में क्या, जितने नंबर्स पे बार है उतनी बार, तो 9 लिख दो, 9, और जितने नंबर्स पे बार नहीं है डेसिमल के बाद उतनी बार 0 लगा दो, ओके, तो एक बार एक नंबर पे बार था तो 1/9 लिख दिया, एक पे बार नहीं था तो 1 बार क्या लगा दिया हमने, 0 लगा दिया, तो कितना आएगा घटाने पे, ये सॉल्व करके आएगा 31/90। बस ऐसे ही तो क्वेश्चन करने हैं, एक और आपको समझा देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इस तरीके से लेते हैं 0.123, अब सिर्फ 3 पे बार है, ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो लिख लेना है, तो 1 2 3 लिख लिया हमने,
माइनस में क्या करेंगे, माइनस पे वो नंबर जिसमें बार नहीं है, तो किन दोनों पे बार नहीं है, 12 पे बार नहीं है ना, इन पे तो नहीं है, तो हम माइनस में क्या करेंगे 12 अपॉन में क्या, जितने नंबर्स पे बार है उतनी बार, तो 9 लिख देंगे, एक नंबर पे बार है तो एक बार 9, कितने नंबर पे बार नहीं है दैट मीन्स दो नंबर पे नहीं है ना, देखो इन दोनों पे नहीं है तो उतनी बार 0 लगा देंगे, तो उसको सॉल्व करने पर कितना आने वाला है 111 अपॉन में 900। तो बस इतना सा तो क्वेश्चन को करना है। आइए कुछ और क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने 12 क्वेश्चन कहे थे तो 12 के 12 समझाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि होपफुली यहाँ तक तो क्लियर हो गया। कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और पसंद आया तो लाइक भी जरूर करना, कमेंट करके बताना जरूर कैसी वीडियो लगी आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, हमें गिवन है 0.999, 5 पर 9 लिखा हुआ और फिर डॉट डॉट लगा दिया गया, इसको भी पी अपन क्योंकि फॉर्म में चेंज करना है, कितनी आसानी से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, आप ये 0. क्या रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट तो बार बार 9 रिपीट हो रहा है ना, तो 9 लिख के उसके ऊपर बार लगा दीजिए, दैट मीन्स रिपीट होगा बार बार। तो हम क्या करेंगे इसे सिंपल से सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसे लिखेंगे हम, तो 9 है 9 लिख लेंगे, उसके बाद इसमें से माइनस क्या करना होता था, तो ऐसा नंबर जिसमें बार नहीं लगाता था, ऐसा कोई तो नंबर है ही नहीं, तो ऊपर तो कुछ माइनस करना नहीं है। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ उतनी बार 9, तो 9 पे बार यानी एक ही नंबर्स पे बार लगा हुआ तो एक ही बार 9 लिखेंगे। ये तो आपको समझ में आ चुका है, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होंगे यहाँ पे उस पर बार लगाओ उतनी बार 9 लिखेंगे नीचे। अब इसे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 0.235 इसको भी चेंज करना है हमें, इसको चेंज कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से क्वेश्चनों को देखना, नंबर रिपीट क्या हो रहे हैं, तो देखो 35 35 35, 2 तो रिपीट हुआ नहीं, तो इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में 0.235 और बार किस पे लगाएंगे 235 पे। अब इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर है आप उसे लिख लो, 235 लिख लेंगे, उसके बाद माइनस में क्या करना है, माइनस में वो नंबर जिस पे बार नहीं लगा हुआ, तो बार किस पे नहीं लगा, 2 पे नहीं लगा ना, तो 2 माइनस कर देंगे अपॉन में क्या, हाँ हाँ बोलो शाबाश, आप भी कर सकते हो, डेसिमल के बाद दो नंबर पे बार लगे तो दो बार तो 99, और एक पे बार नहीं लगा तो जिस पे बार नहीं लगा उसके लिए क्या लगाते हैं हम, 0 लगाते हैं। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसे घटा के 233 अपॉन में 990। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, ऑप्शन में अगर ये नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, तो इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना कैंसिल करके सेम टेबल से। 10th क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन लेते हैं 1.27 बार 27, इस 27 टोटल के ऊपर बार है, इस डेसिमल का दोनों नंबर पे बार है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि मैं सिखाता हूँ तो पूरा सिखाता हूँ, आधा अधूरा नहीं, क्योंकि अब मैं आपको दो तीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता देता, दो तीन क्वेश्चन के उसका छोड़ भी सकता था, बट नहीं पूरा सीखना है तो पूरा सीख लो आज। देखो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में डेसिमल से पहले जो नंबर है ना उसका कुछ भी मत करना, क्योंकि इसी को तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1.1 + 0.27, इसके ऊपर बार क्योंकि जोड़ोगे तो इतना ही तो आएगा, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि डेसिमल से पहले वाले को छोड़ देना, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सॉल्व करोगे तो ये। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर है इसको आप अलग से ऐसे लिख लो, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो लिखेंगे, माइनस में क्या करेंगे, ऐसा नंबर जिस पर बार नहीं है, तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास डेसिमल के बाद जिस पर बार ना हो, तो कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, जितने नंबर्स पर बार है उतनी बार तो 9 लिखेंगे, तो दो नंबर से बार है तो दो बार 9, 0 तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिस पर बार ना हो। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 9 3 27, 9 से ये आ गया इसका सॉल्यूशन, डेसिमल के बाद वाले को, और उससे पहले क्या था हमारे पास, तो 1, अब 1 प्लस इसको ऐड कर दो तो कितना होगा, 11 11 और 3 14 अपॉन 11, ऐसे क्वेश्चन को कर देना है बस फटाफट, कितनी आसानी से कर सकते हो आप। एक और समझा देता हूँ, एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में इसको हम लेते हैं 4.7 पे बार, ओके 4.7 के ऊपर बार लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसमें भी क्या करना, 4 को पहले भूल जाओ, 4 को अलग कर लो आप, और 0.7 अलग, समझने के लिए तो माइंडली भी कर सकते हो, अब समझ जाओगे तो पहले 4 को तो आप अलग से रखो, इसके लिए क्या करोगे, तो 7 का तो 7 लिखोगे, माइनस में कुछ होना नहीं क्योंकि ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसमें बार ना लगा हो, अपॉन में एक नंबर पे बार लगा तो एक बार 9, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, 4 9 36 और 7 तो कितना हो जाएगा 43 अपॉन में 9। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते ताकि आपकी समस्या दूर हो जाए,
कुछ भी जरा भी ना बचे, कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। देखो अगर क्वेश्चन को इतना बड़ा लिख दिया जाए तो अब क्या करोगे आप? अब इन दोनों पे बार है, नो प्रॉब्लम। डेसिमल के बाद बस ये देख लो, डेसिमल के बाद क्या है, डेसिमल के बाद जो भी हो सारा लिख लो। तो अब देखो जीरो लिखो आगे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने डेसिमल के बाद जो भी था वो सारा लिख लिया। अब माइनस में क्या करना है, माइनस में वो नंबर जिन पे बार नहीं लगा हुआ है। तो इन दोनों पे तो बार है, इन तीनों नंबर पे बार नहीं है। तो अब जीरो 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 थ्री लिखो, जैसे थ्री लिखो बात तो बराबर है, तो आप डायरेक्ट थ्री भी लिख सकते हो। अपॉन में क्या, दो नंबर्स पे बार है तो दो बार तो नाइन आएंगे, ओके दो बार तो नाइन। तीन नंबर्स ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है, तो तीन बार क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कितना आएगा, 349 अपॉन में 99 और 000। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, दूसरों तक शेयर करना, और चैनल पर लगातार वीडियो आ रही है तो आप भी जुड़े रहो और दूसरों को भी जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ताकि फिर मैं लगातार वीडियोज़ बनाऊँ, तभी तो मज़ा आएगा आपको भी पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।